हेलो दोस्तों, स्वागत है न्यू रिएक्शन वीडियो में, जहां पर मेकर्स ऑफ केरला स्टोरी की अगली फिल्म आ गई है। सुदीप्त हुसैन के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म नक्सल स्टोरी बस्तर बस्तर करके फिल्म जो है, तो उसका ट्रेलर आ गया है। तो आइए ट्रेलर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इंडियन माओइस्ट ISIS और बोको हराम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। ये सुदीप्त हुसैन का ही आवाज है, डायरेक्टर का ही। बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। मैडम रेचल, our 76 boys got butchered. Who is responsible for all this? आप। What? Honorable Home Minister. 76 CRPF जवान्स should get 76 crores. पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। भारत सरकार का तिरंगा फहराने का साहस कैसे हुआ? दिल्ली के लाल किला पर लाल झंडा फहराने के लिए, भारत देश पर माओइस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए। खून की नदियां तो बहेंगी। एक नया इंटरनेशनल फोरम बन रहा है, इंडिया की नई ताकत को रोकना जरूरी है, और इंडिया के खिलाफ हमसे इफेक्टिव पार्टनर और कौन होगा? एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। 600 करोड़। मैंने अपना पति के साथ साथ अपना बेटा भी खोया है, पर घर से एक बच्चा उनको देना पड़ेगा, ऐसा नियम बनाया उन्होंने। मना कर देते ना सबको मार देते। पूरा इको सिस्टम आज मेरे अगेंस्ट खड़ा है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन नक्सलियों को छोड़ूंगी नहीं इस बार। मिर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि सारी दिल्ली सरकार की गोटियां काम जाए। 100 years of communism and 100 million death. पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनेगार कौन है। दम जय हिंद। मैं तो ये सोच रहा हूँ सबसे पहले कि मतलब 200-250 करोड़ कमाने के बाद केरला स्टोरी से, तो प्रोडक्शन क्वालिटी तो इम्प्रूव होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। आई थिंक वो टाइम पे तो समझ सकते थे, बट ये टाइम पे तो मेरे को लगा कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट रहेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहेगा। हालांकि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट कॉन्टेंट है ये जो स्टोरी है बस्तर गाँव की, नक्सलवादी की। अब यहाँ पर तो ट्विस्ट ये आ जाता है कि बॉलीवुड मोस्ट ऑफ द फिल्म उनकी नक्सल प्रेमी वाली ही रहती है, बट यहाँ पर तो इन्होंने बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही कोर में दिखा दिया बहुत कुछ, जो कि हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट तो नज़र आ जाता है। बट यही है कि केरला स्टोरी जैसा कनेक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो वाला देख के ही लोगों की फट गई थी कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये वाला का अवेयरनेस थोड़ा कम है पब्लिक में, बट जिस हिसाब से दिखाया है तो गुर्दा तो बहुत चाहिए इतना खुल के बताने का। वही अदा शर्मा की बात करो तो उनका एक्सेंट तो वही कॉमन सा ही है, वो कमांडो 3 एंड केरला स्टोरी वही वाला एक्सेंट है, तो वो कहीं सा थोड़ा सा ऑफ बीट लगता है थोड़ा सा। बाकी ठीक है, शॉक तो लगने वाला है जिस हिसाब से ये लोग ने इस कॉन्टेंट को उठाया है, इस टॉपिक को उठाया है, तो वो तो झटका देगा, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को खुद को ही दे देगा। और इसी के साथ साथ योद्धा मूवी भी सेम डे पर रिलीज हो रही है, बट कहानी में ट्विस्ट आ सकता है अगर ये छोटी सी फिल्म बाजी मार ले तो। बट यही है कि देखो ना, इसमें किसी अंधे को भी पूछ लोगे तो उसको भी समझ जाएगा कि इलेक्शंस है तो बैक टू बैक सभी फिल्में आ रही है, आर्टिकल 370, फिर वो रजाकर, फिर वो वीर सावरकर फिल्म जिसका कल ट्रेलर आया, फिर अभी बस्तर। सो नो डाउट वो तो दिख ही जाता है वैसे भी, बट है ठीक है। चलो अब देखते हैं फिल्म का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, तो लेट्स सी बॉक्स ऑफिस पे क्या होता है इस बार। तो आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके बताइए। मिलते अगले वीडियो में, बाकी सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते अगले वीडियो में।